कल मोदी जी आ रहे हैं बिरसा मुंडा जी के नाम पर गौरव दिवस मनाने के लिए। आज मैंने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए मोदी जी से। उदाहरण के लिए सीधी में एक शिकायत आई है कि वहां के भाजपा के विधायक ने आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर लिया है और अपने नाम करा लिए है। पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पीडी शर्मा जी के नुमाइंदे खुन्ना महाराज त्रिवेदी परिवार, उन्होंने आदिवासियों के फर्जी रजिस्ट्रियां कराकर धोखा देकर कीमती जमीनें हड़प ली, आदिवासियों के मकान तोड़ दिए, खुद अपना मकान बना लिया। ऐसी जो ये जो है ये कॉस्मेटिक चेंजेस है, ये शक्ल बदसूरत शक्ल को सुधारने का एक कॉस्मेटिक प्रयोग है। अगर रानी कमलावती के नाम का उपयोग उन्हें करना था तो उनके पुराने महल को मामू ने क्यों नहीं ठीक नहीं कराया? सीहोर के अंदर उनका राजमहल, अगर इतने ही इनको सम्मान करना है कमलावती जी का, तो उनका महल क्यों नहीं सुधरवाते? खंडर हो रहा है। केवल अपने चेहरे को सही असली चेहरे को छुपाने के लिए अभी जितने भी यहां पे प्रकरण आए हैं, अब जैसे नेमावर में केस हुआ, दो आदिवासी एक लड़की एक लड़का और उसकी मां को मारकर गाड़ दिया, उसके साथ दो दलित परिवार, दो लोग दलित थे भाई बहन, मारने वाला कौन? भाजपा का। अगर हम लोग दबाव नहीं डालते, आदिवासी समाज दबाव नहीं डालता, तो कोई पकड़ में भी नहीं आता। बचाने कौन गए थे? कमल पटेल कृषि मंत्री भाजपा के, उस हत्यारे को बचाने गए थे, समझे आप? अभी शिवराज सिंह जी उर्फ मामा उर्फ मामू, उसके कौन विधानसभा क्षेत्र में बैतूल का एक आदिवासी परिवार वहां पर धान काटने गया था, मामू के परिवार का एक व्यक्ति, उसने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, उसने विरोध किया, उसको पकड़ के ले गए और उसके बाद कह दिया इसको सांप ने काट लिया, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, उसकी पत्नी ने शिकायत की, आज तक उस पर प्रकरण में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये कौन से हिमायती है भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की? केवल आदिवासियों का शोषण करना इनका चरित्र है। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण मेरे पास है। तो आज कई प्रश्न मेरे मोदी जी के से हैं इस मामले में। जहां एक तरफ आप बिरसा मुंडा के नाम से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, सरकारी खर्चे से 13 करोड़ रुपए उपयोजना से, आदिवासी उपयोजना से निकाला गया है जो कि आदिवासियों पर खर्च होना चाहिए, आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी रैली पर आप खर्च कर रहे हैं, जिस पर आपको क्या अधिकार है? सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी वसूल करती है, अपने अकाउंट में जमा करती है, उससे खर्च करिए ना। सरकारी खर्च पर, आदिवासियों पे होने वाले खर्च पर आपको आप खर्च कर रहे हैं रैली पर, जिसका हम विरोध करते हैं। और आपने जबलपुर में देखा था शंकर शाह जी और राजा शंकर शाह जी रघुनाथ शाह जी के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह, जो उसी परिवार से हैं, उनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया भाजपा के नेताओं ने। ये सम्मान है आदिवासियों का, और जिन्होंने नहीं चढ़ने दिया वो आपके मंच पर बैठेंगे मोदी जी, और बाकी आदिवासी लोग बेचारे धक्के खाएंगे। अगर आप ईमानदार हैं तो आप जिन लोगों ने विजय शाह को मंच पर नहीं चढ़ने दिया उनको मंच पर मत बैठने दीजिए, उनको नीचे उतारिए और विजय शाह को मंच पर बैठाइए।
जीडी शर्मा जो कि शोषण कर रहा है उसको मंच पे बिठाएंगे तो शोषक को आप मंच पे बिठाएंगे, देखते हैं कल क्या होता है। यदि मोदी जी इन लोगों को हमने जो कहा है वो नहीं माना तो यही मानेंगे कि ये बिरसा मुंडा के नाम से राजनीति कर रहे हैं, इनका आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये लोग चाहे ना, ये लोग चाहते ये हैं कि हम लोग 21वीं सदी से 18वीं सदी में पहुंच जाएं। मोदी जी भी तो कहते हैं कोई कोई नया प्रयोग है वो कि गंदे नाले से वो पाइप निकाल के चाय बनाते थे। तो ये जो बाबू मोदी गैंग है ना, ये देश को 21वीं सदी से ले जाना चाहते 17वीं और 18वीं सदी में। ये बात छोड़ दीजिए, एक बात समझ लीजिए, इस देश में अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक जातियों के लोग रहते हैं और सबको भारतीय संविधान ने अपना धर्म का पालन करने का अधिकार दिया हुआ है। सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, उस संविधान में सबको अधिकार है अपने धर्म का पालन करने का। तो ये धर्म की राजनीति करना छोड़ो, मैं अच्छा हिंदू हूं और चुनौती देता हूं को भी भाजपा के नेता को कि मुझसे बेहतर हिंदू हो तो बता दो। आज एकादशी है, कितने भाजपा के लोग एकादशी का व्रत करते हैं, मैं करता हूं आज से नहीं, करीब 40 साल से। बात यही है, इनके लिए हिंदू धर्म आस्था का प्रश्न नहीं है, ये इनका राजनीति का हथियार है। हिंदुत्व शब्द किसी भी हमारे धार्मिक ग्रंथ बता दीजिए, हिंदुत्व शब्द हो तो केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। भाजपा के राज में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अपराध रजिस्टर होते हैं और उससे तिगुने रजिस्टर नहीं करते।